फ्रेंड्स, आज हम आपका लेसन हाउ मच लैंड डज अ मैन नीड ये स्टार्ट करेंगे। इट इज़ रिटन बाय लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय एक बहुत ही अच्छे राइटर थे और ये गांधी जी के भी फेवरेट थे, महात्मा गांधी जी के भी। और ये स्टोरी हाउ मच लैंड डज अ मैन नीड, इट इज़ डिवाइडेड इंटू 7 पोर्शंस। हम इसको 2 पार्ट्स में करेंगे, ठीक है। और इस स्टोरी के बारे में क्या है वो आपको इस पैरा से पता लगेगा। How much land does a man need illustrates the emptiness that lies beneath the growing material ambition of man। ये जो स्टोरी है ये क्या बताती है कि जो इंसान है उसके जैसे जैसे सपने बढ़ते रहते हैं, महत्वाकांक्षाएँ बढ़ती रहती हैं, किस तरह उसकी ज़िंदगी में एक खालीपन आता रहता है। द आइनिकल एंड इनएविटेबल फेट दैट अवेट्स मटीरियल परसुइट इज अंडरस्कोर्ड विद द कंक्लूडिंग लाइन। ये जो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग हर वक्त मटेरियल परसुइट्स, भौतिक चीज़ों के पीछे लगे रहते हैं, हमें कंफर्ट्स मिल जाए, लग्जरीज मिल जाएं, उन सब को क्या ख़राब करता है, एक क्या व्यंग है इसके ऊपर। आई नी, जैसे कि किसी चीज़ का उल्टा हो जाना इनएविटेबल। और एक सच्ची, जो एक अटल सच्चाई है वो क्या है, वो इस लाइन से पता चलेगी। 6 feet from हिज हेड टू हिज हील्स वॉज ऑल ही नीडिड। कि हम लोगों को कितनी ज़मीन चाहिए होती है, अपने सिर से लेके पैरों तक सिर्फ 6 गज ज़मीन, मीन्स टू से हमारे जितने पैर हैं 6 feet ज़मीन, उतनी ही हमें ज़मीन चाहिए। हमारे जितने कदम बनेंगे, हमारे 6 कदम जितने बनेंगे ना, उतनी हमें ज़मीन चाहिए मरने के बाद। बस तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग स्टोरी है, हम इसको शुरू करते हैं। एन एल्डर सिस्टर केम टू विजिट हर यंगर सिस्टर इन द कंट्री। कि एक बड़ी बहन थी, वो अपनी छोटी बहन को मिलने के लिए कंट्री गांव आती है। द एल्डर वाज मैरिड टू अ ट्रेड्समैन इन टाउन। जो बड़ी बहन होती है उसकी शादी शहर में किसी व्यापारी से हुई होती है। द यंगर टू अ पीजेंट इन द विलेज। और जो छोटी बहन है उसकी शादी गांव में एक किसान से हुई है। एज द सिस्टर्स सेट ओवर देयर टी टॉकिंग द एल्डर बिगन टू बोस्ट ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ टाउन लाइफ। जब दोनों बहनें चाय पीने के लिए बैठती हैं तो जो बड़ी बहन है वो शहर की ज़िंदगी के जो फ़ायदे हैं उसके बारे में बताने लगती है। सेइंग हाउ कम्फर्टेबली दे लिव देयर, कि हम वहाँ बहुत अच्छे से रहते हैं। हाउ वेल दे ड्रेस्ड, हम कितने अच्छे कपड़े पहनते हैं। व्हाट फाइन क्लोथ्स आर चिल्ड्रन वोर, मेरे बच्चे कितने अच्छे कपड़े पहनते हैं। एंड व्हाट गुड थिंग्स दे एट एंड ड्रिंक, और कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें वो खाते पीते हैं। द यंगर सिस्टर वॉज पिक्ड। जो छोटी बहन थी उसको इस चीज़ से थोड़ा बुरा लगा कि बड़ी बहन अपने बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रही हैं। पर उसने क्या बोला, आई वुडंट चेंज माई वे ऑफ लाइफ फॉर yours। मैं आपके लिए अपने ज़िंदगी को तौर तरीके नहीं बदल सकती। सेड शी, वी मे लिव रफली, हम यहाँ पर हो सकता है कि थोड़ा कम अच्छे से जीते हों, बट एट लीस्ट वी आर फ्री फ्रॉम एन्जाइटी, पर हमें किसी तरह की चिंता नहीं है। यू लिव इन बेटर स्टाइल देन वी डू, आप हमसे बेहतर तरीके में रहते हो, बट दो यू ऑफन अर्न मोर देन यू नीड, पर आपको हमेशा अपनी ज़रूरत से ज़्यादा कमाते हो। यू आर वेरी लाइकली टू लूज ऑल यू हैव, और आपके पास जितना होता है आप उसे भी गवा देते हो। यू नो द प्रोवर्ब, आपको पता ही होगा, पुरानी कहावत है लॉस एंड गेन आर ब्रदर्स ट्विन, कि हानि और लाभ ये दोनों भाई भाई हैं। इट ऑफन हैपन्स दैट पीपल हु आर वेल्दी वन डे आर बैगिंग देयर ब्रेड द नेक्स्ट। ये सच है कि जो लोग आज अमीर हैं कल वो लोग खाने खाने के लिए, अपना खाना खाने के लिए किसी के आगे हाथ फैलाएं, कुछ भी हो सकता है। बट आर वे इज सेफर, लेकिन मुझे अपना रास्ता सही लगता है। दो पीजेंट्स लाइफ इज़ नॉट अ फैट वन, हो सकता है कि किसी किसान की जो ज़िंदगी है वो इतनी ज़्यादा लंबी और मोटी तो नहीं होती, बट इट्स अ लॉन्ग वन, पर इतनी लंबी तो ज़रूर होती है कि इंसान जो किसान है वो अच्छे से जी सके। वी शुड नेवर ग्रो रिच, हम कभी अमीर तो नहीं बन सकते, बट वी शैल ऑलवेज हैव इनफ टू ईट, पर हमारे पास खाने के लिए हमेशा भरपूर खाना होगा क्योंकि हम किसान हैं। पैकम द मास्टर ऑफ द हाउस वॉज लिसनिंग टू द वुमेंस चैटर। चैटर मतलब बातचीत। तो ये जो बात हुई दो बहनों के बीच में, कि बड़ी बहन का कहना कि शहर की चीज़ें अच्छी हैं और छोटी बहन का कहना कि गांव की बातें अच्छी हैं, गांव में रहना अच्छा है, वो जो पैकम था, मतलब जो छोटी बहन का हस्बैंड था पैकम, वो सुन रहा था। इट इज़ परफेक्टली ट्रू थॉट ही, उसको लगा ये कितना सच है ना। बिजी एज वी आर फ्रॉम चाइल्डहुड, टीलिंग मतलब खेती करना, मदर अर्थ, वी पीजेंट्स हैव नो टाइम टू लेट एनी नॉनसेंस सेटल इन आवर हेड्स। कि हम बेचारे किसान शुरू से लेकर अंत तक, बचपन से ही हम लोग खेती करना शुरू कर देते हैं और हमारे दिमाग में खेती के सिवाय और कोई काम ही नहीं आता। और
आर ओनली ट्रबल इज़ दैट वी हैवंट लैंड इनफ, हमारी एक ही तकलीफ है, हमारी एक ही प्रॉब्लम है, और वो है कि हमारे पास खेती करने के लिए अच्छी ज़मीन, ज़्यादा ज़मीन नहीं है. इफ़ आई हैड प्लेंटी ऑफ लैंड, अगर मेरे पास बहुत ज़मीन हो जाए, आई शुडंट फेयर द डेविल हिमसेल्फ, तो मैं खुद शैतान से भी ना डरूँ. द वुमेन फिनिश देयर टी, वुमेन ने अपना खाना वगैरह, अपनी जो चाय वगैरह थी वो ख़त्म की. चैटिल द वाइल्ड अबाउट ड्रेस, इधर उधर की बातें करी, कपड़े वगैरह की, फैशंस की. एंड देन क्लियर्ड अवे द टी थिंग्स, और फिर जितना भी सामान पड़ा था उसे उठाया. एंड ले डाउन टू स्लीप, और वो सोने के लिए लेट गई कि अब हम सोते हैं. बट द डेविल हैड बीन सिटिंग बिहाइंड द स्टोर, पर जो डेविल, जो किसान था, वो वहाँ पर स्टोर रूम के पीछे बैठा था. एंड हैड हर्ड ऑल दैट वॉज सेड, और जो भी बातें हुई, वो जो दो लेडीज़ में बातें हुई, जो पैखम ने कहा, वो सब उसने सुना. जैसे पैखम ने गुस्से में आकर ये बोल दिया कि अगर मेरे पास ज़्यादा ज़मीन हो तो मैं शैतान से भी ना डरूँ, मैं भगवान से भी बड़ा बन जाऊँगा. ही वॉज प्लीज दैट द पीजेंट्स वाइफ हैड लेड हर हस्बैंड इन टू बोस्टिंग, उसको ये जानकर खुशी हुई कि अपनी वाइफ की बात सुनकर किसान ने थोड़ी सी, मतलब कि घमंड दिखाना शुरू किया है. एंड दैट ही हैड सेड दैट इफ़ ही हैड प्लेंटी ऑफ लैंड, और उसने क्या बोला है कि अगर मेरे पास काफ़ी ज़मीन होगी, ही वुड नॉट फेयर द डेविल हिमसेल्फ, तो वो शैतान से भी नहीं डरेगा. ऑल राइट थॉट द डेविल, तो डेविल ने सोचा ठीक है, वी विल हैव अ टसल, मैं एक गेम खेलता हूँ इसके साथ. आई विल गिव यू लैंड इनफ, मैं इसे बहुत सारी ज़मीन दूंगा. एंड बाई मीन्स ऑफ दैट लैंड आई विल गेट यू इन टू माई पार, और उस ज़मीन की मदद से मैं तुम्हें अपने काबू में कर लूँगा. क्लोज टू द विलेज देयर लिव्ड अ लेडी, और अब आगे का पैरा आ गया कि ये एक रात ख़त्म हुई, अब आगे कुछ एक दिनों के बाद क्या हुआ. क्लोज टू द विलेज देयर लिव्ड अ लेडी, पैखम के विलेज के पास एक लेडी रहती थी, अ स्मॉल लैंड ओनर, जिसके पास थोड़ी सी ज़मीन थी. हु हैड एन स्टेट ऑफ अबाउट 300 acres, 300 acres की ज़मीन थी. इन द विंटर द न्यूज़ गोट अबाउट दैट द लेडी वॉज गोइंग टू सेल हर लैंड, सर्दियों के दिनों में ये खबर फैल गई कि ये जो औरत है, ये जो बूढ़ी औरत है, अपनी ज़मीन बेचना चाहती है. पैखम हर्ड दैट अ नेबर ऑफ हिज वाज बाइंग 50 acres, उसको पता चला कि मेरे पड़ोस के एक आदमी ने 50 acres ज़मीन खरीद ली है. एंड दैट द लेडी हैड कंसेंटेड, कंसेंटेड मतलब मान जाना, टू एक्सेप्ट वन हाफ इन कैश एंड टू वेट अ ईयर फॉर द अदर हाफ, कि वो पहले आधा कैश पहले ले लेगी, आधा कैश बाद में लेगी. पैखम फेल्ट एनवियस, पैखम को बड़ा गुस्सा आया इस बात से, उसको जेलसी होने लगी कि मेरा पड़ोस वाला इंसान अब अमीर बन जाएगा. लुक एट दैट थॉट ही, उसने क्या सोचा, ये देखो, द लैंड इज़ ऑल बीइंग सोल्ड, सारी ज़मीन बिक जाएगी. एंड आई शैल गेट नन ऑफ इट, और मुझे इसमें से कुछ भी नहीं मिलेगा. सो ही स्पोक टू हिज वाइफ, उसने अपनी वाइफ से बात की. अदर पीपल आर बाइंग, सेड ही, उसने क्या बोला, बाकी लोग भी तो हैं, वो भी तो ज़मीन खरीद रहे हैं. एंड वी मस्ट ऑल्सो बाय 20 acres, हमें भी ले देकर 20 acres ज़मीन तो खरीदनी ही चाहिए. और सो जिसके आस पास, जैसे ज़्यादा जैसे कम, लाइफ इज़ बिकमिंग इम्पॉसिबल, कि इतने थोड़े से ज़मीन में खेती करना मुश्किल हो रहा है. सो दे पुट देयर हेड्स टुगेदर, उन्होंने अपना दिमाग लगाया एंड कंसीडर्ड हाउ दे कुड मैनेज टू बाई इट, और इसके ऊपर दिमाग लगाने लगे कि अब इस ज़मीन को कैसे खरीदें. दे हैड 100 रूबल लेड बाय, उनके पास 1000 रूबल पड़े थे, उधर की करेंसी है ये रूबल्स, ठीक है. दे सोल्ड अ कोट, उन्होंने अपना एक बछड़ा बेच दिया. एंड वन हाफ ऑफ देयर बीज, उन्होंने अपनी कुछ एक मधुमक्खियाँ बेच दी. हायर्ड आउट वन ऑफ देयर सन्स एज अ लेबरर, हायर्ड आउट का मतलब होता है काम पर लगाना, उन्होंने अपने एक बेटे को काम पर लगाया. एंड टुक हिज वेजेस इन एडवांस, और उसकी जो वेजेस मतलब सैलरी, उसकी सैलरी वो एडवांस में ही उनसे लेने लगे. बोर्ड दी रेस्ट फ्रॉम अ ब्रदर इन लॉ एंड सो स्क्रैप टुगेदर हाफ द परचेज मनी, और उसके बाद क्या किया, थोड़े से पैसे अपने ब्रदर इन लॉ मतलब अपनी वाइफ के हस्बैंड से लिए, सॉरी वाइफ के ब्रदर से लिए. और उसके बाद इस तरह उन्होंने खरीदने के लिए जो आधी मनी उसको देनी थी वो इकट्ठी कर ली. हैविंग डन दिस पैखम चोज आउट अ फॉर्म ऑफ 40 acres, सम ऑफ इट वुडेड. पैखम ज़मीन देखने गया, उसने उसमें से 40 acres का एक ज़मीन, वो चाहता था 20 acres की खरीदना, पर अब लालच आ चुका है मन में, तो 40 acres की ज़मीन उसने खरीदी. सम ऑफ इट वुडेड, इसमें से कुछ एक जो थी वो जंगल का इलाका थी. एंड वेंट टू द लेडी टू बार्गन फॉर इट, बार्गन क्या होती है, उसके साथ सौदाबाजी करनी, कि उसके साथ सौदाबाजी करने के लिए वो चला गया.
दे केम टू एन एग्रीमेंट ही शूक हैंड्स विद हर अपॉन इट। वो उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया, एक समझौता किया और उसने उसके साथ हाथ मिलाए एंड पेड हर अ डिपॉजिट इन एडवांस, उसको एडवांस में पैसे दिए। देन दे वेंट टू टाउन एंड साइन द डीड्स, फिर वो शहर गए, शहर में आके कचहरियों में उन्होंने इसके ऊपर कागजों पर साइन किए। ही पेइंग द हाफ प्राइस डाउन, उसने उसको आधा जो कीमत थी ज़मीन की वो दी। एंड अंडरटेकिंग टू पे द रिमेंडर विद इन 2 years, और बोला अगले आने वाले 2 सालों में मैं तुम्हें बाकी की ज़मीन के पैसे दे दूँगा। सुनाओ पैकम हैंड लैंड ऑफ हिज़ोन, इस तरह पैकम के पास अब काफ़ी ज़मीन थी अपनी। ही बोरोड सीड्स, उसने क्या किया, उसने बीज वगैरह खरीदे। एंड सोड इट ऑन द लैंड ही हैड बोट, और उसने जो ज़मीन खरीदी थी उसमें उन बीजों को बीज डाला। द हार्वेस्ट वॉज अ गुड वन, उस साल उसकी फसल अच्छी हुई। एंड विद इन अ ईयर ही हैड मैनेज टू पे ऑफ हिज डेट्स बोथ टू द लेडी एंड टू हिज ब्रदर इन लॉ, और उसको इतनी कमाई हुई कि उसने 1 साल के अंदर ही अपने ब्रदर इन लॉ को भी जो पैसे उससे लिए थे वो भी लौटा दिए, और जो वो लेडी थी उसके पैसे भी उसको लौटा दिए। सो ही बिकेम अ लैंड ओनर, और इस तरह वो अब ज़मीन का मालिक बना। प्लॉइंग एंड सोइंग हिज ओन लैंड, वो अपनी ज़मीन पर खेती करता, अपनी ज़मीन पर बीज बीजता। मेकिंग हे हिज ओन हैंड हे ऑन हिज ओन लैंड, वो अपनी ही ज़मीन पर पशुओं के लिए जो भी खाना बनाना होता था या फिर जो भी उसको स्टिक्स वगैरह इकट्ठी करनी होती थी वो करता। कटिंग हिज ओन ट्रीज, अपने ही वो पेड़ों को काटता। फीडिंग हिज कैटल ऑन हिज ओन पैस्चर, और अपने ही खेतों में उसने अपनी ही ज़मीन के ऊपर उसने इतनी जगह बना ली, मतलब कि चरागाह जिसको बोलते हैं, जहाँ पर जानवर चरते हैं, जहाँ पर जानवर अपना खाना खाते हैं, वो भी बना ली। अब इसके आगे कुछ एक दिन बीते, उसके बाद क्या हुआ। वन डे पैकम वॉज सिटिंग एट होम व्हेन अ पीजेंट पासिंग थ्रू द विलेज हैपेंड टू कॉल इन, एक दिन क्या हुआ, पैकम अपने घर पर बैठा हुआ था और वहाँ पर एक जो किसान था वो वहाँ से गुजरा। ही वॉज अलाउड टू स्टे द नाइट, उसको बोला गया कि उसने रात गुजारने के लिए जगह मांगी, उसने कहा कि मुझे रात गुजारने के लिए यहाँ रुका लो, तो वो रुक गया। एंड द सपर वॉज गिवन टू हिम, उसको खाना खिलाया गया। पैकम हैड अ टॉक विद दिस पीजेंट, पैकम ने इस किसान के साथ कुछ बातें की। एंड आस्क हिम वेयर ही केम फ्रॉम, उससे पूछा आप कहाँ से आए हो। द स्ट्रेंजर आंसर दैट ही हैड केम फ्रॉम बियॉन्ड द वोल्गा वेयर ही हैड बीन वर्किंग, कि मैं वोल्गा नाम की जगह से आया हूँ, उससे भी आगे रहता हूँ और मैं वहाँ काम करता हूँ। वन वर्ड लेट टू अनदर, उनकी बातें, एक बात शुरू हुई उससे आगे आगे वो बातें करने लगे। एंड द मैन वेंट ऑन टू से दैट मैनी पीपल वर सेटलिंग इन दोज पार्ट्स, फिर उस इंसान ने बताया कि वोल्गा के आगे वाले शहर में बहुत सारे लोग रह रहे हैं। द लैंड वॉज सो गुड ही सेट दैट द राइस सोन ऑन इट ग्रू एज हाई एज अ हॉर्स, कि इतनी अच्छी ज़मीन है कि अगर उस पर हम राई की फसल उगाते हैं तो वो इतनी जल्दी बड़ी होती है जैसे जैसे कि एक घोड़ा बड़ा होता है ना, घोड़े जितनी बड़ी मेरी फसल हो जाती है। एंड सो थिक, और इतनी अच्छी मात्रा में होती है दैट 5 cuts ऑफ अ सिकल मेड अ शेफ, मतलब कि अगर हम इसको, सिकल होता है जिससे हम फसलों को काटते हैं, ठीक है, अगर इसको दातरी से काटेंगे तो इसको हम 5 ही बार में एक बड़ा सा बंडल बना सकते हैं। वन पीजेंट ही सेड हैड ब्रॉट नथिंग विद हिम बट हिज बेयर हैंड्स एंड नाउ ही हैड 6 horses एंड 2 cows ऑफ हिज ओन, फिर उसने आगे क्या बताया कि ज़मीन इतनी बढ़िया है, इतनी अच्छी वहाँ पे कमाई हो जाती है कि एक आदमी खाली हाथ आया था, उसके पास कुछ नहीं था, अब उसने इतनी कमाई कर ली है कि उसके पास अपने 6 घोड़े हैं और 2 उसने गायें भी पाल ली हैं। पैकम्स अर्थ किंडल विद डिज़ायर, किंडल मतलब जल जाना, जागना, उसके मन में भी एक इच्छा जागी। ही थॉट व्हाई शुड आई सफ़र इन दिस नैरो होल, तो फिर मैं यहाँ पर क्यों रहूँ, इफ़ वन कैन लिव सो वेल एल्सवेयर, अगर मैं कहीं और जाकर अच्छे से रह सकता हूँ। आई विल सेल माई लैंड, मैं अपनी ज़मीन बेचूँगा एंड माई होम स्टेड हेयर, और मैं अपना घर यहाँ बनाऊँगा। एंड विद द मनी आई विल स्टार्ट फ्रेश ओवर देयर, और यहाँ पर आकर मैं क्या करूँगा, वहाँ पर मैं क्या करूँगा, अपनी ज़मीन बेचूँगा, अपना घर बेच दूँगा यहाँ पर, और वहाँ पर जाकर मैं क्या करूँगा, एक नए सिरे से शुरुआत करूँगा। गेट एवरीथिंग न्यू, सब कुछ नया खरीदूँगा। इन दिस क्राउडेड प्लेस वन इज़ ऑलवेज हैविंग ट्रबल, और वैसे भी ये एरिया तो इतना कंजस्टेड है, यहाँ हमेशा कोई ना कोई तकलीफ चलती रहती है। बट आई मस्ट फर्स्ट गो एंड फाइंड आउट ऑल अबाउट इज़ माई सेल्फ, कि पहले मैं जाऊँगा और हर चीज़ चेक करूँगा। टुवर्ड्स समर, तो अब उसने दिमाग में ऐसा रख ली थी ये बात, तो जैसे ही गर्मियाँ आई, ही गोट रेडी, वो तैयार हुआ एंड स्टार्टेड, और उधर चल पड़ा। ही वेंट डाउन द वोल्गा ऑन अ स्टीमर टू समारा, वोल्गा से समारा की तरफ वो एक नाव में गया। देन वॉक अनदर 300
माइल्स ऑन फुट, और फिर वो पैरों से चलकर 300 मील की दूरी तय करी एंड एट लास्ट रीच द प्लेस, और वहाँ पहुँचा। इट वॉज जस्ट एज द स्ट्रेंजर हैड सेड, जैसा कि उस अजनबी ने बताया था वैसे ही वहाँ की जगह थी। द पीजेंट हैड प्लेंटी ऑफ लैंड, हर किसान के पास काफ़ी ज़मीन थी। एनी वन हु हैड मनी कुड बाय लैंड एट 2 शिलिंग्स एन एकर, एज मच गुड फ्री होल्ड लैंड एज ही वॉन्टेड, कि कोई भी किसान वहाँ पर थोड़े ही पैसों से, 2 शिलिंग थोड़े ही पैसों से, 1 एकड़ के थोड़े से पैसे देकर बहुत सारी ज़मीन खरीद सकता था। हैविंग फाउंड आउट ऑल ही विश टू नो, पैकम को जो भी जानना था उसने वो जाना। पैकम रिटर्न होम, पैकम घर वापस आया। एज ऑटम केम ऑन, जैसे कि अब पतझड़ का मौसम आने वाला था, ही बिगेन सेलिंग ऑफ हिज बिलोंगिंग्स, उसने अपना घर का सामान बेचना शुरू किया। ही सोल्ड हिज लैंड एट अ प्रॉफिट, उसने अपने ज़मीन को बेचा जो कि प्रॉफिट में बिकी, काफ़ी पैसे उसको बचे। सोल्ड हिज होमस्टेड, उसने अपना घर का सामान, घर वगैरह बेचा। एंड ऑल हिज कैटल, अपने सारे पशु बेचे। ही ओनली वेटेड टिल द स्प्रिंग, उसने तब तक ही वेट किया जब तक कि बसंत ऋतु नहीं आ गई। एंड देन स्टार्टेड विद हिज फैमिली फॉर द न्यू सेटलमेंट, और अपनी फैमिली के साथ एक नई जगह पर रहने के लिए चल गया। एज सून एज पैकम एंड हिज फैमिली रीच देयर न्यू अबोर्ड, अबोर्ड होता है होम, रहने की जगह, जैसे ही पैकम और उसकी फैमिली अपने नए घर पहुँचे, ही पुट अप द बिल्डिंग्स ही नीडेड, उसको जितनी ज़मीन पर बिल्डिंग बनानी थी उसने वो बनाई। बोट कैटल, कुछ एक पशु खरीदे। ही नाउ हैड 3 times एज मच एज हिज फॉर्मर होम, जितना उसको उसके पहले घर में था उससे 3 गुना यहाँ पर उसको मिला। एंड द लैंड वॉज गुड कॉर्न लैंड, यहाँ पर बहुत अच्छी उपजाऊ शक्ति थी ज़मीन की, जिसकी वजह से फसल बहुत अच्छी होती थी। ही वॉज 10 times बेटर ऑफ देन ही हैड बीन, और पहले वाली कंडीशन से 10 गुना अच्छी उसकी कंडीशन हो गई। ही हैड प्लेंटी ऑफ लैंड, उसके पास बहुत सारी ज़मीन थी। एंड कुड कीप एज मैनी हेड ऑफ कैटल एज ही लाइक्ड, और उसका जितना मन करता उतना, जितना उसका मन करता, जितना उसको ज़रूरत होती उससे कहीं गुना ज़्यादा वो अब जानवर भी पाल सकता था। पैकम वॉज प्लीज विद इट ऑल, पैकम को इन सबसे खुशी मिल रही थी। बट वैन ही गॉट यूज टू इट, पर जब उसको इसकी आदत हो गई कि हमेशा मुझे ज़्यादा मिले, मेरी ज़रूरत से ज़्यादा मैं कमाऊँ, उसके मन में जो लालच की आदत जो थी वो आ गया था, जो लालच आ गया था, ही बिगेन टू थिंक दैट इवन हियर ही हैड नॉट इनफ लैंड, उसको लगा मेरे पास अभी भी पूरी ज़मीन नहीं है। द फर्स्ट ईयर ही सोड वीट ऑन हिज लैंड, पहले साल उसने अपनी ज़मीन पर क्या उगाया, अनाज। एंड हैड अ गुड क्रॉप, उसको काफ़ी अच्छी फसल उगी। आफ्टर अ टाइम पैकम नोटिस दैट सम पीजेंट डीलर्स वर लिविंग ऑन सेपरेट फार्म्स एंड वर ग्रोइंग वेल्दी, कुछ देर के बाद उसे ये एहसास हुआ कि कुछ एक जो फार्मर्स हैं वो अलग से अपने फार्म्स पर रहते हैं और वो काफ़ी अमीर हो रहे हैं। एंड ही थॉट इफ़ आई वर टू बाय सम मोर लैंड इट वुड बी डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर, कि अगर मुझे भी थोड़ी और ज़मीन मिल जाए तो क्या बात होगी। द क्वेश्चन ऑफ बाइंग मोर लैंड रेकर्ड टू हिम अगेन एंड अगेन, रेकर्ड मीन्स बार बार दिमाग में आना, और उसके दिमाग में ये सारी बातें बार बार आने लगी। सो पैकम बिगेन लुकिंग आउट फॉर लैंड विच ही कुड बाय, और पैकम वो ज़मीन के बारे में सोचने लगा जो वो खरीद सकता था। एंड ही केम अक्रॉस अ पीजेंट हु हैड बॉट 1300 acres बट हैविंग गॉट इनटू डिफ़िकल्टीज वाज विलिंग टू सेल अगेन चीप, फिर उसको एक किसान मिला, उस किसान ने 1300 acres की ज़मीन खरीदी थी, लेकिन उसको कुछ एक प्रॉब्लम आ गई, अब वो इसको सस्ते दामों पर बेचना चाहता था। पैकम बार्गेन, पैकम ने उसके साथ मोल भाव किया। एंड हैगल्ड विद हिम, और उसके साथ उसने जो भी समझौता करना था वो किया। एंड एट लास्ट ही सेटल द प्राइस एट 1500 rubles, पार्ट इन कैश एंड पार्ट टू बी पेड लेटर, तो उसने कहा कि मैं तुम्हें इस पूरी ज़मीन के 1500 rubles दूंगा, आधे पैसे एडवांस में दूंगा, आधे पैसे बाद में दूंगा। दे हैड ऑल बट क्लिंच द मैटर व्हेन अ पासिंग डीलर हैपन टू स्टॉप एट पैकम्स वन डे टू गेट अ फीड फॉर हिज हॉर्सेस, उनके पास सब कुछ था लेकिन उन्होंने ये जो मैटर था कि मुझे ये ज़मीन खरीदनी है, ये दब गया कब, जब वहाँ से एक जो पैसेंजर था, एक पासिंग डीलर, वहाँ से एक डीलर गुजर रहा था और उसने एक रात वहाँ पर पैकम के घर ठहरने के बारे में ऑफ़र किया कि मुझे ठहरा लो, और उसने कहा कि मुझे तुम अपने घोड़ों के लिए खाना चाहिए। ही ड्रिंक टी विद पैकम, उसने पैकम के साथ बैठकर चाय वगैरह पी। एंड दे हैड अ टॉक, फिर वो बातें करने लगे। द डीलर सेड दैट ही वॉज जस्ट रिटर्निंग फ्रॉम द लैंड ऑफ द बशकीर्स, तो डीलर ने क्या कहा कि मैं बशकीर्स की लैंड से वापस आ रहा हूँ, फार अवे वेयर ही हैड बोट 13,000 acres ऑफ लैंड ऑल फॉर 1000 rubles, और वहाँ पर उसने क्या देखा है कि लोगों ने
13,000 एकड़ की ज़मीन सिर्फ और सिर्फ 1,000 रूबल में ख़रीदी है, और यहाँ इधर ये 1,300 एकड़ की ज़मीन 1,500 रूबल में ख़रीद रहा था 1,500 रूबल में, लेकिन वहाँ 13,000 एकड़ की ज़मीन उसको 1,000 रूबल में मिल सकती थी। पैकम क्वेश्चन ही फर्दर, पैकम ने उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे एंड द ट्रेडमैन सेट, और ट्रेडमैन ने क्या बताया, ऑल वन नीड टू डू इज टू मेक फ्रेंड्स विद द चीफ्स, कि वहाँ के जो ज़मीन के लोग हैं वहाँ उनके साथ आपको अपनी दोस्ती करनी है। आई गेव अवे अबाउट 100 रूबल्स वर्थ ऑफ सिल्क रोब्स एंड कारपेट्स बिसाइड्स अ केस ऑफ टी एंड आई गिव वाइन टू दोज हु वुड ड्रिंक इट एंड आई गोट द लैंड फॉर लेस देन अ पेनी एन एकर, कि मैंने क्या किया, मैं उनके पास मिलने गया, उनके लिए अच्छे अच्छे कपड़े लेकर गया, रोब्स मतलब क्लोथ्स, उनके लिए कारपेट लेके गया, जो टी सेट थे वो लेकर गया, उनके लिए मैं वाइन वगैरह लेकर गया, और इस तरह कुछ ही खर्चे में मुझे बहुत सारी ज़मीन मिल गई। एंड इज शोन शोर पैकम द टाइटल डीड सेइंग, और उसमें उसने उसको क्या दिखाई, जो वो उसकी वसीयत थी वो दिखाई, जो कि क्या बता रही थी, द लैंड लाइज नियर अ रिवर, कि जो मुझे ज़मीन मिली है वो रिवर के पास है, एंड द होल प्रेरी इज़ वर्जिन सॉइल, और सारी की सारी ज़मीन जो है वो बहुत ही अच्छी मिट्टी वाली है। पैकम पाइल्ड हिम विद क्वेश्चंस एंड द ट्रेड्समैन सेट, पैकम ने उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, तो फिर व्यापारी ने क्या बताया, देयर इज़ मोर लैंड देयर देन यू कैट कुड कवर इफ़ यू वॉक्ड अ ईयर, वहाँ पर इतनी ज़मीन है कि अगर तुम साल भर भी चाहो तो भी तुम उसको कवर नहीं कर सकते। एंड इट ऑल बिलोंग्स टू द बशकीर्स, और वो जो चीफ हैं उनका नाम है बशकीर, तुम उनके पास जाओ, दे आर एज सिंपल एज शीप, वो बहुत ही इनोसेंट है, जैसे कि एक भेड़ होती है वो इनोसेंट होती है वैसे वो इनोसेंट हैं, एंड लैंड कैन बी गॉट ऑलमोस्ट फॉर नथिंग, और तुम्हें बिना कुछ किए बहुत कम दाम में अच्छी ज़मीन मिल जाएगी। देयर इज़ मोर लैंड थॉट पैकम, पैकम ने सोचा अरे वहाँ पर तो बहुत ज़मीन है, विद माई 1,000 रूबल्स वाई शुड आई गेट ओनली 1,300 एकर्स एंड सेडल माई सेल्फ विद द डेट बिसाइड्स, तो फिर उसने सोचा कि मैं 1,000 रूबल खर्च करके यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1,300 एकड़ की ज़मीन क्यों खरीदूँ, या 1,500 रूबल खर्च के 1,300 एकड़ की ज़मीन क्यों खरीदूँ, जब मैं 1,000 रूबल में 13,000 एकड़ ज़मीन खरीद सकता हूँ, और उसके बावजूद सैडल माई सेल्फ कि मुझे उसके कर्जे भी चुकाने पड़ते, इफ़ आई टेक इट आउट देयर कैन गेट मोर देन 10 times एज मच फॉर द मनी, तो मैं अगर वहाँ चला जाता हूँ तो मुझे वहाँ पर 1,000 रूबल में ही बहुत सारी ज़मीन, इससे 10 गुना ज़्यादा ज़मीन मिल जाएगी। तो उसके दिमाग में ये बात आ गई कि मैं बशकीर्स के पास जाऊंगा, तो वहाँ से इसकी जो स्टोरी है उसका टर्निंग पॉइंट शुरू होगा कि वहाँ पर जाता है, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर क्या उसे ज़मीन मिल पाती है या नहीं, तो उसको हम आपकी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में रीड करेंगे।